मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। तो यार सुबह से आज मैंने सारे काम कर लिए थे, फ्रूट्स भी खा लिए थे, उसके बाद भी मुझे इतनी भूख लग गई थी एंड आज खाना उतना ही लेट आया है। बट फाइनली अभी मेरा खाना यहाँ आ चुका है पीछे, तो सोच रही हूँ कि बिना किसी देरी के फटाफट चलती हूँ खाना खाने। बहुत ज़ोर की भूख लगी क्योंकि अभी बच चुके हैं 2 एंड सुबह से मैंने सिर्फ 2 फल ही खाए हैं, सेब संतरा और कुछ नहीं खाया है। सो हे गाइस, मैं भी निकली थी बाहर यहाँ आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए कि पास में क्या है। वैसे मैंने आसपास की बहुत सारी काफ़ी जगह तो देख ली, जैसे मंदिर, नाश्ता पॉइंट, गार्डन्स घूमने के लिए। बट अभी मैं सोच रही थी, मुझे अभी एक्चुअली मंदिर और गार्डन दोनों जाने का मन कर रहा था, जो कि पास में मैंने कुछ दिन पहले ही एक नया वाला देखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी वहीं चलती हूँ। बट मौसम देखो यार, धूप है साथ में बारिश भी हो रही है। आजकल धूप एंड बारिश होती तो है बट रेनबो देखने को नहीं मिलता यार, कितना ज़माना हो गया। मतलब बचपन में मैंने रेनबो देखा था, उसके बाद से देखा ही नहीं है कभी, कैसा होता है। ठीक है, इसको मैं मंदिर पहुँच गई थी बट अभी मंदिर बंद है, अभी खुलने का टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा बचा है। एंड बारिश अभी बहुत ज़्यादा तेज चालू हो गई है, उसको भीगने का मन तो बहुत कर रहा है यार, पर मेरे को मंदिर दर्शन भी करने थे, मैं भीग लूँगी तो मेरे को वापस रूम पर जाना पड़ेगा। लुक एट दिस, ये मंदिर के जस्ट बाहर यहाँ पर गार्डन भी है एंड यहीं पर मैं बैठी हूँ शेल्टर के नीचे बारिश से बचने के लिए। बट मेरे को बारिश से बचने का मन हो नहीं रहा है यार, बहुत सुंदर बारिश हो रही है। अब मंदिर खुल गया है, सामने बारिश भी रुक चुकी है, तो जैसे ही गेट खुलता है मेन वाला, हम घुस जाएंगे अंदर। शांति से बैठ रही हूँ, अभी कोई नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा शांति लग रही है मन को भी, उसके बाद से कहीं जाऊँगी। तो भगवान जी का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े हैं अपने वापस पीजी के लिए। एंड यार रास्ते में इतने सारे ठेले लगते हैं, इतना सब कुछ लगता है खाने पीने का, पूछो मत, मेरे को देख देख के लालच आती है। रूम पर चल जाती है ना तो फिर डेली मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ खा लूँ, गुपचुप मोमोज यहाँ पर अच्छे खासे लगते हैं यार। ये देखो अभी शाम होते ही कितना सुंदर सा मौसम हो गया, क्योंकि अभी बारिश भी हुई है तो काफ़ी ठंडा वेदर है। एंड दिस इज़ दी होल मार्केट लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है, काम चला हुआ है। यहाँ पर सारे जो भी अटपटे सामान पैकेट वाले मैं ले सकती हूँ। एंड आगे में खाने पीने के स्टॉल्स हैं, लाइक बर्गर, चाउमीन, वो सब वाले। वैसे एक चीज़ है कि नेहरू नगर में जैसे बड़े बड़े एंड काफ़ी सुंदर सुंदर घर है ना, वैसे यहाँ पर भी है जहाँ पर मैं रह रही हूँ। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे यार जानवर दिखते ही नहीं है, एक कुत्ता एक गाय दिखने का नाम, मतलब बहुत ही रेयरली दिखते हैं, ऐसा क्यों मेरे को समझ नहीं आता। सो फाइनली बैक टू रूम अपने, तो फटाफट करती हूँ चेंज एंड जाती हूँ छत पे। यार इतना अच्छा मौसम है कि रूम के अंदर बैठने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है कि छत पर जाके बस फ्रेश हवा खाते रहो। A few moments later. Hey guys, तो मैं अभी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। यार इतना मेरे को भूख लग गया था। वैसे आज खाने में आया है स्पेशल, वैसे काफ़ी टाइम बाद ये आया है बरबट्टी एंड आलू की सब्जी। मैं वहाँ पर भी बहुत टाइम हो गया था खाई नहीं थी, तो आज वो है। साथ में ये है कोई बीन्स वाली सब्जी जो होती है, ये बीन्स वाली सब्जी समथिंग। एंड मैंने चावल दाल और रोटी के साथ अचार भी ले लिया है, क्योंकि मुझे ना बीन्स विंस की सब्जी होती कुछ खास पसंद नहीं, तो अचार से मिला के खाऊँगी तो पेट के अंदर चले ही जाएगा। दिस इज़ माई थाली, बेचारा मेरा दाल हमेशा जात बाहर ही रहता है। हे गाइस, तो अब खाना पीना हो गया है ख़त्म एंड अभी मस्त फ्रेश फ्रेश यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बस इस हवा और पंखे की हवा का लेते हैं आनंद एंड चलते हैं सोने के लिए। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक लेता बाय बाय, गुड नाइट।